नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब भगवान शिव की बहन से परेशान हुई माता पार्वती तो क्या हुआ। शिव अनादि हैं, उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, वह स्वयंभू हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वह सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी, वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए हैं। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया, कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोर साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत करते थे। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्यमय कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव के बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी, उसके पैर भी कटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद, इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती को अपने पैरों की दरारों से आजाद किया। आजाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दें, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी टकरार और नोक झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।